मंगलौर में दो पहिया वाहन चालकों से लिफ्ट लेने के नाम पर तमंचों के बल पर लूट करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस मामले में एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि 5 मई को झबेड़ा निवासी सलमान से मंगलौर से भगवानपुर मार्ग पर बदमाशों ने लिफ्ट लेने के बहाने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इसी दिन डिलीवरी बॉय दीपक से नहर पटरी आसफ नगर के पास से मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया गया था, जिसके चलते एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने लगातार हो रही वारदातों पर अंकुश कसने के साथ अधीनस्थों को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों को तांशीपुर के समीप से गिरफ्तार किया। 5 जून को मंगलौर से भगवानपुर जाने वाले मार्ग पर सलमान नामक एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने से एक व्यक्ति के द्वारा रोका गया और उसके अन्य साथियों के द्वारा उसके साथ स्कूटी उसकी लूट ली गई। इसी तरह की एक अन्य घटना आसफ नगर के निकट दीपक नामक एक डिलीवरी बॉय के साथ 5 जून को ही हुई थी, जिसमें उससे लूट की घटना कारित की गई थी, उससे मोबाइल फ़ोन लूटा गया था। उक्त घटनाओं पर एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए लगातार तत्काल टीमें गठित करके उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। 4 टीमों का गठन किया गया और लगातार सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल पुलिसिंग और आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 2 अभियुक्तों, उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों आस मोहम्मद उर्फ आसू पुत्र इस्तखार और सलमान उर्फ लाला पुत्र सलाम निवासी पाली गुजर कोतवाली गंगनहर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस तथा उनकी निशानदेही पर लूटी हुई स्कूटी, लूटा हुआ मोटरसाइकिल, कोतवाली गंगनहर से चोरी किया गया मोटरसाइकिल और जो मोबाइल फ़ोन लूटा गया था और अन्य दस्तावेज लूटे गए थे, वे सभी बरामद किए गए हैं। दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इस घटना में जो अन्य अभियुक्त शामिल थे उनके नाम भी प्रकाश में आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पूरे आपराधिक घटनाओं के अनावरण में टीम के द्वारा बेहद समन्वित तरीके से और मैनुअल पुलिसिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए कार्रवाई की गई, जो प्रशंसनीय है।